आज अभी अभी कल ही मकर संक्रांति हुई है, सूर्य नारायण उत्तर की ओर प्रवेश कर गए और हमारे शास्त्रों में लिखा है जब भी सूर्य नारायण उत्तर में प्रवेश करते हैं शुभ कामों की शुरुआत हम लोग करते हैं। और आज उसी दिन ऐतिहासिक भूमि पर, जिस भूमि पर भगवान महावीर ने जन्म लिया, अपने जीवन के 22 साल जिस भूमि पर बिताए, जहां अपने जीवन काल के अंदर तीन तीन बार भगवान बुद्ध ने विचरण करकर इस भूमि को पवित्र बनाया, और जिस भूमि ने दुनिया को लोकतंत्र की भेंट दी, इस वैशाली की महान भूमि को मैं बार बार प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये यही भूमि है जिसने एक बार ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में सबको न्याय देने की, सबको समानता देने की और सबको अपना अधिकार देने की नींव डालने का काम किया है। इसके लिए लड़े, मरे, तबाह हो गए, मगर सबको अधिकार देने की बात को नहीं छोड़ा। यही ये वैशाली की महान भूमि है। और मित्रों, इतिहास में वैशाली गणतंत्र के संघर्ष को कोई मिटा नहीं सकता। वो जब जब मानव अधिकार, पिछड़ों का कल्याण और लोकतंत्र की भावना का जब जब जिक्र होगा, वैशाली के गणतंत्र का जिक्र उस वक्त करना ही पड़ेगा। इतना महान काम इस धरती के पुरखों ने किया है। और मित्रों, आज मैं जो यहां आया हूं वो विषय भी मानव अधिकार का विषय है, वो विषय भी दुखियारों को, प्रताड़ितों को जो दर्द सहन कर यहां आए हैं उनको अधिकार देने का। मित्रों, ये जो जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, मैं देश भर में घूमते घूमते आज बिहार में आया हूं। मुझे दिल्ली में पत्रकार बंधु कहते थे कि बिहार में क्या रिस्पॉन्स होगा, मैंने उस वक्त भी उनको कहा था और आज पूरी दुनिया देख ले, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स सीए को कहीं मिला है तो मेरे बिहार की भूमि पर मिला। क्योंकि ये भूमि जो पीड़ित है इसके साथ न्याय करने वालों की भूमि है, ये भूमि सामाजिक न्याय की भूमि है। यहां पर जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, ये सबने सामाजिक न्याय की नींव रखने का काम किया था और उसी नक्शे पर आज पूरा देश चल पड़ा है। ये भूमि पिछड़ों को, सताए हुओं को, उनको न्याय देने की भूमि है। और ये जन जागरण अभियान लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के घर घर में जो जा रहे हैं, वो भी इसी प्रकार के सताए हुए भाइयों बहनों को न्याय देने की लड़ाई देकर जा रहे हैं। मित्रों, अभी अभी मोदी जी के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून आया, ये सीएए आया और सीएए के माध्यम से अनेक पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम चला। मगर कुछ लोग जो देश में हैं, कुछ लोग जो है जो बात तो पीड़ितों की करते हैं, बात तो मानव अधिकार की करते हैं, मगर अपनी वोट बैंक की बात जब आती है तब वो अपने वोट बैंक के अलावा किसी को नहीं देखते हैं। मित्रों, आज मैं बिहार की इस महान धरती पर आया हूं, मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं क्या है सीए, ये नागरिकता संशोधन कानून क्या है। मित्रों, नागरिकता संशोधन कानून ये है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम
इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल करने वाला है, मगर जिनको इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बात दिखाई पड़ती है, ये इसका विरोध कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं इस देश की माइनॉरिटी को, इस देश के युवाओं को कि सीएए से आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं बिहार के मुसलमान भाइयों को कहने आया हूं, आप इस कानून को पढ़े, और राहुल बाबा आपको और लालू प्रसाद यादव को भी बताने आया, जनता को गुमराह मत करिए। ममता दीदी और केजरीवाल जी, आप भी जनता को गुमराह मत करिए। मैं आज सरेआम बिहार की जनता को कहने आया हूं कि ये कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है, इससे किसी की नागरिकता जा नहीं सकती है। मित्रों, देश का विभाजन हुआ, कांग्रेस पार्टी उस वक्त करता धरता थी, कभी देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर एक गलत नींव डालने का काम किया, और परिणाम क्या हुआ, लाखों लाखों लोग मारे गए, लाखों शरणार्थी देश में आए, और उसके बाद भी जो बचा हुआ पाकिस्तान था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, वहां पर हिंदू सिख बौद्ध जैन क्रिश्चियन भाइयों के साथ अन्याय शुरू हुआ। देश जब आजाद हुआ, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में लगभग दोनों जगह 30-30 प्रतिशत हिंदू सिख बौद्ध थे, 30-30 प्रतिशत, और आज ये लालू प्रसाद यादव और राहुल बाबा दोनों मुझे जवाब दे, कितने हिंदू और सिख बचे हैं? पश्चिम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3%, ये कहां गए? इनको मार दिया गया, इनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, इनको खदेड़ दिया गया, वो मजबूर हो गए यहां आने के लिए। मित्रों, इन लोगों को इनकी आंखें अंधी है, कान बहरे हैं, मत की लालच में मती खो बैठे। जहां पर जिस परिवार में बूढ़े बाप के सामने बेटी पर बलात्कार किया जाए, पति के सामने पत्नी पर बलात्कार किया जाए, वो कैसे वहां रह सकते हैं? उनके घर बार लूट लिए गए, जमीनें छीन ली गई, हजारों हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, गुरुद्वारा मस्जिदों में परिवर्तित कर दिए गए, वो कहां जाएंगे? वो यहीं आए, भारत में आए। मैं आज आपको पूछने आया हूं, लाखों की संख्या में आप है, बताइए ये जो प्रताड़ित होकर हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी ईसाई आए हैं, इनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलिए जरा, उनको सुनाई पड़े ऐसे, नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? माताओं बहनों भाइयों, आपकी तो वो न सुने, मगर महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने 26 सितंबर 1947 को कहा, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू सिख हर नजरिए से भारत आ सकता है, उसको नौकरी और जीवन का सुख देना, नागरिकता देना आजाद भारत का पहला कर्तव्य है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, राजेंद्र बाबू ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, मौलाना आजाद ने कहा, आचार्य कृपलानी ने कहा, और संसद के अंदर प्रस्ताव पारित कर नेहरू लियाकत समझौतों को स्वीकार किया। मित्रों, ये कांग्रेस वाले हमारा न सुने, मगर उनकी नेताओं का तो सुने। मित्रों, ये प्रताड़ित लोग जो आए हैं, उनको नागरिकता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और आज इस मंच से मैं सारे
ह्यूमन राइट के चैंपियंस को पूछना था। हजारों हजारों बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, सैकड़ों लोगों के घर छीन लिए गए, लाखों की संख्या में धर्मस्थान उजाड़ दिए गए, उनके ह्यूमन राइट की चिंता आप नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? क्या दोष है उनका? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट केवल और केवल उनके ह्यूमन राइट लौटाने का काम है मित्रों, और कोई काम नहीं है। और मित्रों, ये जो लोग वहां से आए हैं इसमें कौन है? इसके अंदर ज्यादातर दलित है, पद दलित है, पिछड़े समाज के लोग हैं। आज ममता दीदी इसका विरोध कर रही है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव को पूछना चाहता हूं, मतवा समाज के लोग आए हैं, नाम शूद्र समाज के लोग आए हैं, ये दलितों ने आपका क्या बिगाड़ा है? नरेंद्र मोदी जी उनको नागरिकता दे रहे हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? मित्रों, अभी अभी राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ, एक साल भी नहीं हुआ, राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा है कि जो पाकिस्तान से सिख और हिंदू आएंगे उनको हम नागरिकता देंगे। जब आप कहते हो तब तो ये सांप्रदायिक नहीं होता, और मोदी जी करते हैं तब आपको ये सांप्रदायिक लगता है। मित्रों, ये जो दोहरा मापदंड है कांग्रेस का, वो देश की जनता अब समझ गई है। मित्रों, जब सीए कानून लेकर आए, देश में इन लोगों ने एक भ्रामक प्रचार किया, देश की जनता को और विशेषकर माइनॉरिटी को गुमराह करने का काम किया और देश में दंगे फैलाने का काम किया। मैं आज इस ऐतिहासिक मैदान पर कहने आया हूं, पहले तीन चार दिन जो दंगे हुए इसका पूरा जिम्मेदारी और दोष एक कांग्रेस ममता एंड कंपनी का है। कांग्रेस पार्टी ने देश में दंगे कराए हैं मित्रों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है, हम घर घर जाएंगे, सच्चाई बताएंगे और देश की जनता को सीए के समर्थन में लामबंद कर मोदी जी के हाथ हम मजबूत करेंगे। मित्रों, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो लालू प्रसाद यादव है, ये जो केजरीवाल जी है और ये ममता दीदी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएए का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने आपके आशीर्वाद से 303 सीटें मिली, फिर से प्रधानमंत्री बने, पहले ही सत्र में 5 अगस्त को धारा 370 और 35 ए को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया। मैं आज वैशाली की जनता को पूछने आया हूं, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि कश्मीर भारत माता का अभिन्न अंग बने? बताइए मुझे, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मोदी जी ने 370 और 35 से हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा और कश्मीर में हमारा तिरंगा शान के साथ आसमान को छू रहा है, वो मोदी जी के कारण छू रहा है। इसका भी इन्होंने विरोध किया। मित्रों, राम जन्मभूमि अयोध्या में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, आप मुझे बताइए वहां मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है भाई, जरा जोर से बोलिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद, ममता, केजरीवाल सब राम मंदिर में आड़े आए थे, मगर मोदी जी ने भारत सरकार के इनिशिएटिव से केस एकदम स्पीड से चला और 5 जजों ने तय कर दिया कि वो ही स्थान पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 महीने के अंदर आसमान को छूने वाला राम लल्ला का मंदिर, वही अयोध्या की भूमि पर आसमान को छूने वाला मंदिर बनाने की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ये इसका भी विरोध। मित्रों, आप मुझे बताइए, सिखाना चाहिए
उनको ठोकना चाहिए नहीं ठोकना चाहिए? उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया। सोनिया जी आपकी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, कुछ करते नहीं थे, मौनी बाबा चुप बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। मोदी जी के समय हमला किया, मोदी जी ने 10 ही दिन में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया। मित्रों, मोदी जी ने ठीक किया या नहीं किया? जोर से बोलिए, ठीक किया या नहीं किया? इसका भी एक कांग्रेस एंड कंपनी, लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी विरोध कर रही है। वो कह रहे हैं सबूत कहां है, सबूत कहां है, और इमरान खान भी कह रहे हैं सबूत कहां है। ये सारे मुद्दों पर लालू प्रसाद, कांग्रेस, ममता, केजरीवाल, उनकी भाषा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा एक ही दिखाई पड़ती है। बिहार वालों, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता ये सबके बीच में रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है। देश के हित की कोई भी बात करो, इसका विरोध करते हैं। मित्रों, अभी अभी जेएनयू में 3 साल पहले नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इनको सजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बोलिए, जोर से बोलिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? माताओं, बहनों, भाइयों, मोदी जी ने उनको जेल में डाला। आज केजरीवाल उन पर केस चलाने की अनुशंसा नहीं देते, मगर मैं बता देता हूं आप सभी को, ममता दीदी, केजरीवाल, लालू प्रसाद, राहुल बाबा, कम्युनिस्ट, कान खोलकर सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, भारत की भूमि पर भारत विरोधी नारा जो लगाएगा, भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी, कहीं और हो नहीं सकती। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना आया हूं मित्रों, कि आप सब लोग पूरे बिहार में घर घर जाकर सीएए के समर्थन में, नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में लामबंद होइए। अपने भाई बहन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आए हैं, उनको उनके अधिकार देने के लिए लामबंद होइए। इसलिए मैं आया हूं। कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा मोबाइल निकालिए तो, जरा जोर से अपने पॉकेट से मोबाइल निकालिए, कितने लोगों के पास है? सब लोग निकाले, जरा हाथ ऊपर करो, है ना? सबके पास है ना? मोदी जी का समर्थन करना चाहते हैं ना? तो मैं एक नंबर बोलता हूं, डायल करोगे? पक्का करोगे? तो मैं एक नंबर बोलता हूं, डायल मोड पर ले लीजिए मोबाइल को, डायल मोड पर ले लीजिए, आंकड़े निकाल लीजिए। मैं जोर से नंबर बोलता हूं, 8 8 6 6 2 8 8 6 6 2। अब डायल कर दीजिए। कितने लोगों ने करा, हाथ ऊपर करिए। मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं, इस नंबर को डायल कर मोदी जी का आप समर्थन करिए। मित्रों, कुछ लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं कि बिहार के अंदर अगला चुनाव कैसे होगा। मैं आज सारी अफवाहों का निरसन करने आया हूं। बिहार के अंदर अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, भाजपा और जदयू दोनों एक साथ लड़ने वाले हैं। ये जो लालू प्रसाद यादव को जेल में रहकर स्वप्न आते हैं फिर से मुख्यमंत्री बनने के, उनको मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा जदयू का गठबंधन अटूट है, इसमें कोई सेंधमारी आप नहीं कर पाओगे। लालू प्रसाद जी, आपका शासन था, आपका शासन था, 3% की दर से बिहार विकास कर रहा था। इतने सालों से 2005 से 2020 तक 11% की दर से विकास किया है। प्रति व्यक्ति आय
0.12% थी, आज 4% हो गई है। कृषि विकास दर 21% तक पहुंचा है, बिजली 7% घरों में पहुंची है और सड़क 93% गांवों में पहुंची है। आप लालटेन युग छोड़कर गए थे, हम एलईडी युग तक लेकर आए हैं। आप लूट ऑर्डर का राज चलाते थे, हम लॉ एंड ऑर्डर का राज चलाते हैं। आपने गायों का घास चारा चोरी कर खाया, हमने गौधन की सुरक्षा की दिशा में अपने पैर बढ़ाए। इस जंगल राज से जनता राज की यात्रा अविरत चलने वाली है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए काम करने वाला है, इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। माताओं बहनों भाइयों, मैं आज सबको हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं कि मोदी जी ने धारा 370 हटाई, राम जन्मभूमि के फैसले को स्वागत किया, आगे बढ़ाया, अब सीएए लेकर आए हैं और ये पूरा एजेंडा उनको अपनी वोट बैंक खतरे में नजर आती है। मगर बिहार की जनता ये किसी के विरोध का कोई एजेंडा नहीं है, भारत माता को मजबूत और एकजुट करने का एजेंडा है। बिहार की जनता इसका समर्थन करे और सीएए पर नरेंद्र मोदी जी का साथ दे। मोदी जी ने ये 6 साल के अंदर हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, हर एक को घर, हर एक को गैस, हर एक को स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किया है और अगले 5 साल में हर घर में शुद्ध पीने का पानी भी मोदी जी पहुंचाने वाले हैं। हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने वाले, ये विकास की जो यात्रा मोदी जी लेकर निकले हैं, देश की सुरक्षा और देश के संस्कृति के रक्षण की यात्रा जो मोदी जी लेकर निकले हैं, मैं बिहार की जनता के सामने मोदी जी की ओर से समर्थन मांगने आया हूं। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं युवाओं, आप सब लोग मोदी जी के साथ हो? जोर से बोलो, मोदी जी के साथ है? मोदी जी आगे बढ़े बिहार सहमत है? ये जो देश विरोधी लोग हैं उनको अलग थलग करेंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, सीएए के लिए हर घर में जाएंगे, राम मंदिर के लिए हर घर में जाएंगे, धारा 370 हटाने के पक्ष में हर घर में जाएंगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए मित्रों, मोदी जी के समर्थन के संकल्प की मुट्ठी बिंचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।